हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी हम आ गए हैं फिलहाल इंदौर में, सब जगह घूम फिर के इंदौर आ गए हैं। अभी ट्रेन खड़ी है यहाँ पर, हो गई पूरी खाली और अब हम जा रहे हैं घर के लिए। तो चलो 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 हेटला चलो हेटला चलो हेटला चलो। तिलक भी हमारे आगे हैं, योगेश भाई पीछे, शुभम भी आ गए और शिव भी आ गया है, तो चलते हैं। तो अभी हम साईराम बस में बैठ गए हैं और बस निकल गई है अब हमारी, सभी आ गए हैं, आ रहे ना और दो जन, शुभम और तिलक भी आ गए हैं। आज फाइनली हम घर पहुंच जाएंगे। अभी यहाँ पर बबलू के पास आ गए हम घर पे और यहाँ पर आ गए नबू। आज पूरे 10 दिन हो गए हमें वापस घर से गए हुए, तो गाइस आज आए हैं और योगेश भी आ गया है यहाँ पे, आंटी जी भी खड़े हैं और पेठी वगैरह लाते, वो तो खुशी ने खाना स्टार्ट भी कर दिया। तो अभी हम थोड़ी देर इसके साथ खेलेंगे, उसके बाद फिर हम नहा के आराम करेंगे। ये बबलू को देखो, ले खा के देखो, खिला दो। बुआ के दांत टूट गए हैं, बुआ जी के दांत देख लो आप, और ये नबू को हंसा रहे हैं। बुआ के तो दांत ही नहीं है खुशी, बुआ के दांत कहाँ गए खुशी? चूहा ले गया अपने बबलू। गाइस अभी हम केदारनाथ से प्रसाद लेके आए थे और अभी बबलू को दे रहे हैं खाने को, जो आसपास वाले हैं जो किसी जय ब्याह वगैरह आ गए तो उनको भी देना है, तो उनके लिए पैक हो रहा है, सभी जगह बांटना है आज हमें। चलो चलेंगे अभी हम। बबलू ने ढक्कन भी लगा दिया, मतलब इतने टैलेंटेड बच्चे अभी हुए हैं कि हर चीज क्या करनी है सब पता है इनको। जरूरत से ज्यादा बड़ाई भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ढक्कन वापस खोल भी देते हैं ये लोग। ये देखो और खाना स्टार्ट, ये क्या हो रहा है भाई। तो अभी चलते हैं नीचे और प्रसाद जय भैया और हमारे काल दादाजी के यहाँ दे के आते हैं। चलते हैं जल्दी से केदारनाथ के प्रसाद, नहीं वो अलग चीज, यो प्रसाद है वो तो हम ले ही ना आए तो आगरा से। हाँ चलो अब दूसरी जगह। तो चलो हम आ गए अभी भैया की शॉप पे। भैया क्या बात है, एक और काउंटर बनवा लिया आपने, बढ़िया बढ़िया। ये आपके लिए प्रसाद, आपके लिए प्रसाद हम लेके आए स्पेशल केदारनाथ से, आपके लिए प्रसाद यहाँ तक आ गया है। बहुत धन्यवाद हरीश, और वीडियो कॉलिंग पे आपको दर्शन करवा दिए थे हमने, बहुत बहुत आभारी रहेंगे आपके। हाँ तो आपने बताओ ये काउंटर कब बनवाया यार? ये हमने 8 दिन हो गए इस काउंटर को और ये भी बनवाया। हाँ अच्छा, अरे मतलब फुली मॉडिफिकेशन कर दी यार आप लोगों ने तो, वाह यार थोड़ा सा नया किया है। अच्छा नहीं नहीं बहुत बढ़िया। अच्छा नहीं नहीं वो होना भी चाहिए, एलईडी वगैरह लग गई है, मतलब बहुत ही शानदार काम हो गया आपके पास। तो फाइनली गाइस तुम्हारा भाई घूम फिर कर घर पे आ गया है, और गाइस घर पे सबसे जब मैं मिला सबको बहुत ही अच्छा लगा और मुझे भी, क्योंकि बहुत दिन हो गए बाहर का खाना खा के बोर हो गए, तो गाइस घर का खाना भी खाया था तो बहुत ही अच्छा लगा। और मेन चीज जैसे कि गाइस अभी मैं घर पे नहीं था तो उसके बाद क्या अपडेट हुई है मुझे ही नहीं पता, और बहुत कुछ हुआ है तो वो भी आपको दिखाएंगे क्या हुआ है जब हम यहाँ नहीं थे। तो अभी और गाइस थक इतना गए थे, घर आकर जैसे आए वैसे ही सो गए, तो अभी उठे हैं और आज व्लॉग कुछ भी शूट नहीं किया जाता, तो आज तो नींद ही इतनी आई क्योंकि थके हुए थे गाइस, पैर अभी भी दर्द कर ही रहे हैं। आपने देखा था कितनी चढ़ाई चढ़े और कितनी चढ़ाई उतरे हम लोग, तो अभी देखते हैं। और अभी थोड़ी टाइम में फिर शॉप भी बंद हो जाएगी हमारी, और फिर सभी को मतलब प्रसाद भी हमने बांट दिया है, तो अब देखते हैं क्या करना है, खाना खाएंगे फिर से सो जाएंगे, एडिटिंग करना है कर लेंगे। गाइस 10 दिन बाद हम आए हैं तो यहाँ पर बापले बना दिए और यहाँ पर भी सब्जी तैयार हो रही है, तो आज तो जम के पार्टी होगी। और गाइस जो हमारा टूर था वो बेस्ट था, इन सबसे बेस्ट था हमारे साथ, आई होप सब जो जितने भी हमारे साथ मेंबर गए थे, 4 मेंबर 5 मेंबर, तो उनको भी अच्छा लगा होगा और हमें भी बहुत अच्छा लगा। गाइस ये सफर मेरी लाइफ का फर्स्ट जो सफर था वो इतना लंबा था और सीधे केदारनाथ था, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो फिलहाल तो आ गए घर और इस व्लॉग को भी करते हैं एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल बनाए और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट डे के नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।